Hi, welcome to this session on Introduction to Machine Learning. In this session, we will discuss what is machine learning and its two types, supervised and unsupervised machine learning. Let's start this session. The content presented in this session has been adapted from Andrew Nagy course on machine learning. Google uses machine learning to provide search, it uses page rank. Facebook also use face recognition for machine learning, which automatically tag your friends. Email is spam or not, this is also an example of machine learning. And there are a number of cases in which machine learning are used, and it is a subfield of artificial intelligence. And other applications are database mining, autonomous helicopter, handwriting recognition, all NLP and computer vision applications. All are examples of machine learning. So this machine learning concept started in 1959, and the basic definition was a field of study that gives computer the ability to learn without explicitly being programmed. Matlab, computer automatically learn kar lega bina program likhe. Ye bahut important aur interesting objective tha jisko hum achieve karna chahte the, aur 59 se ye concept shuru hua. लेकिन उस समय इतना पॉपुलर नहीं हो पाया क्योंकि जो मशीन थी उनकी जो कैपेबिलिटी थी डाटा को प्रोसेस करने की वो लिमिटेड थी. देन अगेन इन 1998 दिस मशीन लर्निंग कंसेप्ट अगेन गेट मोमेंटम ड्यू टू हाई कैपेबिलिटी ऑफ मशीन्स. वी हैव मशीन विच कैन प्रोसेस डेटा वेरी फास्ट, विच कैन स्टोर डेटा, विच कैन स्टोर ह्यूज डेटा. एंड देन द डेफिनेशन इज फॉर्मल डेफिनेशन इज गिवन एज ए कंप्यूटर प्रोग्राम इज सेट टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस ई with respect to some task T and some performance measure P, and if its performance on task T as measured by P improve with experience C, then it is called as a machine learning problem. यानी कि हमें experience के साथ अगर हमारी performance improve होती है particular task के लिए, तब हम कहेंगे कि ये problem machine learning की है. यहाँ पे experience का मतलब data से है, task का मतलब classification या regression करना, जो भी आप predict करना चाहते हैं वो है. और अगर आपकी प्रेडिक्शन की एक्यूरेसी इंप्रूव होगी अपने डेटा सेट के साथ, ज़्यादा डेटा सेट डालेंगे तो ज़्यादा एक्यूरेसी आएगी, कम डेटा सेट होगा तो कम एक्यूरेसी होगी. अगर कोई प्रोग्राम इस तरह से बिहेव कर रहा है तो वो प्रोग्राम मशीन लर्निंग का होगा. तो एक सिंपल सी एग्जाम्पल होगी कि जितना मीठा डालेंगे उतना ही, आप जितनी शुगर डालेंगे उतना ही मीठा होगा. तो उस तरह से है, तो जितना आप डेटा देंगे उतने बेटर रिजल्ट आएंगे, और जितना एक्सपीरियंस होगा उतने आपके बेटर रिजल्ट सिस्टम प्रेडिक्ट करेगा. हमने एक एग्जांपल ली थी जिसमें हमने एक केस को देखा था कि मान लीजिए हमें एक अपने प्रोग्राम को, ईमेल के प्रोग्राम को ट्रेन करना है जो वॉच करेगा कि ईमेल हमारी स्पैम है या नहीं है. और इस केस में हमारे जो टास्क हैं, परफॉर्मेंस है और जो एक्सपीरियंस है उसको आइडेंटिफाई करना था. सो आई होप दैट आपको याद होगा कि यहाँ पर हमारे पास जो क्लासिफिकेशन ऑफ ईमेल है कि विच इज़ स्पैम और नॉट, दैट इज़ ए टास्क. Watching you label email as spam or not, this is experience, and the number of email correctly classified are the example of performance. And we have discussed there are two type of machine learning algorithm, one is supervised and another is unsupervised. Example of supervised machine learning is a house price prediction, जहाँ पे हमारे पास कुछ previous sale record की history थी जिसमें plot size था, उसकी cost available थी, और हमें plot की जो cost है वो predict करनी थी. तो हम क्या करेंगे, इसका एक स्टेटिस्टिकल मॉडल बिल्ड करेंगे जो कि एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेगा, और उसकी बेसिस के ऊपर आप किसी भी प्लॉट साइज की कॉस्ट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं. मान लीजिए अगर मेरे पास 750 प्लॉट साइज है तो आई कैन प्रेडिक्ट दैट के 180 के करीब हमें इसकी जो कॉस्ट है मार्केट से मिल जाएगी. लेकिन अगर हम इसमें बेटर डेटा ऐड करेंगे, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं कि देर आर ओनली 6 रिकॉर्ड्स ऑफ अवर हिस्ट्री और एक्सपीरियंस, बट इफ आई इंक्रीज इट टू 12 रिकॉर्ड तो मेरा जो ग्राफ है वो बेटर फिट होगा, और इंस्टेड ऑफ स्ट्रेट लाइन अब ये कर्व फिटिंग में चला जाएगा. और अब ये कर्व फिट होगा, और जो प्राइस पहले हम 180 प्रेडिक्ट कर रहे थे वो हम 200 प्रेडिक्ट कर पाएंगे, और एक्यूरेसी हमारी बढ़ जाएगी जितने इस तरह के क्रॉसेस बढ़ेंगे. तो हम क्लियरली कंक्लूड कर सकते हैं कि जितना एक्सपीरियंस होगा, जितना डेटा होगा, हमारा ग्राफ उतना बेटर होगा, उतना रिफाइन होगा, और उतने बेटर प्रेडिक्शन हम कर पाएंगे. सो प्रेडिक्शन इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द एक्सपीरियंस, प्रेडिक्शन इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द डेटा. सो दैट्स व्हाई दिस इज अ केस ऑफ मशीन लर्निंग. इसको करने के लिए आपको हिस्टोरिकल डेटा चाहिए, पिछले जितने भी प्लॉट हमने सेल किए हैं उनका रिकॉर्ड चाहिए. सो राइट आंसर शुड बी गिवन, सो दैट व्हाई इट इज कॉल्ड एज सुपरवाइज्ड लर्निंग, क्योंकि आपका डेटा लेबल्ड होना चाहिए. और यहां पे हमें कंटिन्यूस प्राइस प्रिडिक्ट कर रहे हैं, सो दैट्स व्हाई दिस इज अ केस ऑफ रिग्रेशन.
तो जहां पे आप कंटिन्यूस प्राइस प्रेडिक्ट करेंगे वो रिग्रेशन का केस होगा। तो अगर आप अपने मार्क्स प्रेडिक्ट कर रहे हैं, टीम की स्कोर प्रेडिक्ट कर रहे हैं, टेम्परेचर प्रेडिक्ट कर रहे हैं आज का, ये सारी एग्जाम्पल्स रिग्रेशन की हैं जहां पे हम एक कंटिन्यूस वैल्यू को प्रेडिक्ट कर रहे हैं। एक और हमने एग्जाम्पल ली थी जिसमें हमारे पास केस था कि ट्यूमर है और हम प्रेडिक्ट करना चाहते थे कि ये ट्यूमर कैंसरस है या नहीं कैंसरस है, तो 0 और 1 में प्रेडिक्ट करना चाहते थे। तो ये जो एग्जाम्पल है जिसमें हम 0 1 में प्रेडिक्ट करना चाहते हैं, ये किसकी एग्जाम्पल है? क्लासिफिकेशन की एग्जाम्पल है। और हमने इसको फर्दर एक्सटेंड किया था कि इसमें हम डिस्क्रीट वैल्यू प्रेडिक्ट करेंगे आइदर 0 और 1। अगर हमें इसके साथ साथ इसकी क्लास भी प्रेडिक्ट करनी है कि ये कैंसर टाइप 0 का है या टाइप 1 का है या टाइप 3 का है, स्टिल दिस केस इज कॉल्ड एज ए क्लासिफिकेशन। इसमें इंस्टेड ऑफ 2 वी आर प्रेडिक्टिंग 1 out of 4। तो अगर 2 में से 1 प्रेडिक्ट करेंगे देन वी कॉल्ड इट एज ए बाइनरी क्लासिफिकेशन। अगर 4 में से 1 प्रेडिक्ट करेंगे स्टिल दिस इज ए केस ऑफ क्लासिफिकेशन इन विच वी आर प्रेडिक्टिंग 1 क्लास आउट ऑफ मल्टीपल क्लासेस। हमने देखा कि अपने बेटर रिजल्ट को करने के लिए हम इसमें एज भी ऐड कर सकते हैं तो हमारी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। यहां पे हम 2 फीचर यूज करेंगे, ट्यूमर साइज और एज, एंड ऑन दैट बेसिस वी आर प्रेडिक्टिंग दैट कि जो ट्यूमर है वो कैंसरस है या नहीं है। और जो भी नया पेशेंट आएगा उसका हम एज और ट्यूमर साइज इनपुट करेंगे और उस बेसिस के ऊपर हम देखेंगे कि ये ट्यूमर कैंसरस है या नहीं है। बट ऑफ कोर्स सिस्टम की एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए इसमें हम और फीचर ऐड कर सकते हैं लाइक क्लम थिकनेस, यूनिफॉर्मिटी ऑफ सेल साइज, यूनिफॉर्मिटी ऑफ सेल शेप। जितने फीचर ऐड करेंगे उतनी क्या होगी, एक्यूरेसी बढ़ जाएगी बट मॉडल उतना ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। सो दिस इज द केस ऑफ सुपरवाइज्ड। और इस केस में हमें पता था कि हमें करेक्ट आउटपुट पता होनी चाहिए और उस वो डेटा जो है वो गवर्न करेगा ओवरऑल प्रोसेस को। सो लेट अस कंसीडर अनदर प्रॉब्लम एंड ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। इसको पढ़िए और सभी अपनी अपनी कॉपी पे इसका आंसर लिखेंगे। सो इट सेड दैट यू आर रनिंग ए कंपनी एंड यू वांट टू डेवलप ए लर्निंग एल्गोरिथम टू एड्रेस ईच ऑफ द दोज प्रॉब्लम। फर्स्ट प्रॉब्लम, यू हैव ए लार्ज इन्वेंट्री ऑफ आइडेंटिकल आइटम्स एंड यू वांट टू प्रिडिक्ट हाउ मेनी ऑफ दीज आइटम विल सेल ओवर नेक्स्ट 3 मंथ। आपके पास काफी सारे आइटम हैं और आप प्रिडिक्ट करना चाहते हैं कि अगले 3 महीने में कितनी आइटम सेल होंगी। दूसरी प्रॉब्लम है, यू हैड लाइक सॉफ्टवेयर टू एग्जामिन इंडिविजुअल कस्टमर अकाउंट एंड फॉर ईच अकाउंट डिसाइड इफ इट हैज बीन हैक्ड और कंप्रोमाइज। तो आपने चेक करना है कि अकाउंट कहीं हैक तो नहीं हुआ। तो आपको दोनों में बताना है कि कौन सी प्रॉब्लम क्लासिफिकेशन की है, रिग्रेशन की है। सो फर्स्ट ऑप्शन, ट्रीट बोथ एज क्लासिफिकेशन। सेकेंड, ट्रीट 1 एज क्लासिफिकेशन, 2 एज रिग्रेशन। सी, ट्रीट 1 एज रिग्रेशन, 2 एज क्लासिफिकेशन। सो व्हाट इज द आंसर? सो आंसर इज सी। इन दिस केस फर्स्ट प्रॉब्लम इज रिग्रेशन बिकॉज हियर वी हैव टू प्रेडिक्ट ए वैल्यू, कंटिन्यूस वैल्यू, कि कितनी वैल्यू सेल होंगी, 1000, 2000, 500, 300, कुछ भी हो सकता है नंबर। और दूसरी एग्जाम्पल में मुझे हैक और नॉट हैक 0 और 1 में प्रेडिक्ट करना है। सो दैट्स व्हाई इट इज ए क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। नाउ लेट्स कंपेयर और अंडरस्टैंड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, हम एक सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड को फर्दर अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जिससे हमें जो ह्यूमन लर्निंग है उसको समझते हुए हम समझ सकते हैं कि सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में क्या फर्क है। सो यहां पे एडम और ईव को दिखाया गया है। तो ये उस समय की बात है जब बोला जाता है, बाइबल में लिखा गया है कि एडम और ईव जो थे वो धरती में सबसे पहले आए। उस समय जब वो धरती पे आए होंगे तो उन्होंने भी चीजों के बारे में कुछ लर्न किया होगा, उन्होंने भी चीजों को समझा और लर्निंग की। और आज जो परिवार में एक बच्चा जन्म लेता है वो भी अपनी लर्निंग करता है। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि जिस तरह से एडम और ईव ने चीजों को सीखा और जिस तरह से आज का बच्चा चीजों को सीखता है, क्या दोनों की लर्निंग में फर्क था या दोनों की लर्निंग सेम है? जब एडम और ईव धरती पे आए थे तो उस समय किसी भी चीज का कोई नाम नहीं था, कोई बनाना नहीं था, कोई एप्पल नहीं था, कोई वाटर नहीं था। चीजें थी लेकिन उनके लेबल नहीं थे, किसी भी चीज के ऊपर कोई लेबल लगा नहीं था। उन्होंने चीजों के एट्रीब्यूट्स को देखा, उन्होंने उसके कलर को देखा, उसके शेप को देखा, उसके टेस्ट को देखा, उसके साइज को देखा, उनके फीचर्स को देख के उन्होंने उनको ग्रुप करना शुरू किया होगा। उन्होंने लगा होगा कि ये लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं बेस्ड ऑन देयर फीचर्स। फिर उसमें से उन्होंने लगा, उसके बाद उन्होंने फर्दर एनालाइज किया कि ये उड़ सकते हैं या नहीं उड़ सकते, ये बर्ड्स हैं, ये एनिमल्स हैं, ये मैमल्स हैं, और उस तरह से फर्दर उन्होंने ग्रुपिंग और सब ग्रुपिंग की।
फिर उन्होंने वेजिटेबल्स को देखा तो उनमें से कुछ लगी उनको कि कुछ फ्रूट्स हैं, कुछ वेजिटेबल्स हैं, कुछ फ्रूट हैं जिनके कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर हैं, तो एक ग्रुप उन्होंने बनाया जिसको नाम बनाना दे दिया, एक ग्रुप ऑफ फ्रूट्स बने जिसका नाम एप्पल हो गया, एक ग्रुप ऑफ फ्रूट बने जिसका नाम मैंगो हो गया। तो उन्होंने क्या किया होगा, चीजों के फीचर्स की बेसिस के ऊपर लर्न किया होगा और उन्होंने चीजों के धीरे धीरे ग्रुप और फर्दर सब ग्रुप बनाए होंगे और बाद में आगे चल के जैसे जैसे लैंग्वेज डेवलप हुई, हमने किसी का नाम सेब रख दिया तो इंग्लिश में हमने उसको एप्पल बोल दिया, तो किसी और लैंग्वेज में कुछ और नाम रख दिया, तो बाद में उनके लेबल या उनके नाम रख दिए गए। लेकिन उन्होंने जब चीजें सीखी थी तो उस समय किसी भी चीज का नाम नहीं था, कोई लेबल उसके ऊपर नहीं लगा हुआ था। उन्होंने उसके फीचर्स को देखा और उन फीचर्स की बेसिस के ऊपर उन्होंने कुछ ग्रुप बनाया, सारे फ्रूट्स का एक ग्रुप बना दिया, फिर उस फ्रूट के ग्रुप को फर्दर सब ग्रुप किया जिसमें बनाना, एप्पल और मैंगो ये सारे फ्रूट्स आ गए हैं। सो उन्होंने हर चीज के ऊपर ग्रुपिंग और अनग्रुपिंग सब ग्रुपिंग की और उनकी फीचर्स की बेस के ऊपर एनालाइज किया और टाइम के साथ लैंग्वेज डेवलप हुई और हर एक ने अपना अपना नाम रख दिया। लेकिन अब जब बच्चा घर में जन्म लेता है और उसको हम लर्निंग करवानी शुरू करते हैं तो उस समय ऑलरेडी हर चीज के ऊपर क्या लगा हुआ है, लेबल लगा हुआ। आप उसको सीधा दिखाते हो कि भाई ये बनाना है, इसको एप्पल बोलते हैं, इसको पेन बोलते हैं, इसको पेंसिल बोलते हैं, ये चेयर है, ये टेबल है, ये लैपटॉप है, ये मोबाइल है, हर चीज के ऊपर एक लेबल लगा हुआ है और उसके पास ऑलरेडी लेबल्ड डेटा है। फीचर तो है ही है, उसको पता तो चल ही रहा है इसका कलर क्या है, इसकी शेप क्या है, इसका टेस्ट क्या है, वो सारे फीचर के साथ साथ हम उसको क्या दे रहे हैं, साथ में उसके ऊपर लेबल लगा के दे रहे हैं। और एक बहुत अच्छी बात है कि जब बच्चा सीखता है तो उसको दुनिया की सारी चेयर्स दिखाने की जरूरत नहीं है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दैट कि चेयर और टेबल में क्या फर्क है। वो 5-10 चेयर और टेबल देख के समझ लेता है कि ओके चेयर के ये करेक्टरिस्टिक्स हैं और टेबल के ये करेक्टरिस्टिक्स हैं। अब आप उसको कोई भी चेयर दिखाओगे वो उसी समय फट से बता देगा कि ये चेयर है और ये टेबल है। सिमिलरली उसको दुनिया के सारे पेन या पेंसिल दिखाने की जरूरत नहीं है, उसको कुछ पेन या पेंसिल दिखा के वो अपना आप एक जो डिफरेंशिएशन है वो कर लेता है और जैसे आप उसको दिखाएंगे वो आपको उसी समय बता देगा कि ये पेन है या पेंसिल है। सो इट मीन दैट जो बच्चा लर्निंग कर रहा है उसको कुछ स्मॉल डेटा सेट चाहिए ट्रेनिंग होने के लिए और वंस दैट किड इज ट्रेन्ड ऑन दैट डेटा सेट, जब भी उसको एक अननोन सैंपल मिलता है तो वो अपनी लर्निंग के अकॉर्डिंगली उसकी क्लासिफिकेशन कर देता है कि ये ए है या बी है या ये सी है या डी है, ये बनाना है या मैंगो है या एप्पल है, वो ऑटोमेटिकली बता देता है। तो ये जो हम बच्चों को चीज सिखा रहे हैं आज की डेट में वो सारा डेटा हम लेबल करके दे रहे हैं, लेकिन जब एडम और ईव आए थे तब डेटा लेबल नहीं था। जो एडम और ईव ने सीखा वो कुछ इस तरह से था। So, जो एडम और ईव ने देखा उनके पास डेटा सेट कुछ इस तरह का था, उनके पास जो प्रोडक्ट थे उनके साइज था, कलर था और उसकी शेप थी, लेकिन उनके पास नेम नहीं थे, उनके पास सिर्फ फीचर्स थे और उन्होंने उन फीचर्स की बेस के ऊपर उनकी ग्रुपिंग और सब ग्रुपिंग की। लेकिन जो बच्चा आज घर में जन्म लेता है उसके पास जो डेटा सेट है वो इस तरह का है, उसको साइज कलर और शेप भी पता है और साथ में उसका फ्रूट नेम भी पता है कि भाई जो बिग है, जो रेड है राउंड शेप विद डिप्रेशन एंड टॉप है उसको एप्पल बोलते हैं, स्मॉल रेड हार्ट शेप को चेरी हो चेरी बोलते हैं, बिग ग्रीन हो बनाना बोलते हैं, स्मॉल ग्रीन हो तो ग्रेप बोलते हैं। तो इस तरह से उसको हम लेबल्ड डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर डेटा लेबल्ड है जिसमें हमने उसका नाम लिखा हुआ है तब उस लर्निंग को क्या बोलेंगे हम, सुपरवाइज लर्निंग। लेकिन अगर डेटा लेबल नहीं है देन उस लर्निंग को क्या बोलेंगे, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। सो दिस इज द ओनली डिफरेंस। तो अगर आपने डेटा की लेबलिंग कर दी है, उसको बता दिया कि ये पेन है, टेबल है, चेयर है, पेंसिल है, सभी चीजों के आगे लेबल लिखे हैं फीचर्स के साथ, तो देन दिस लर्निंग इज कॉल्ड एज सुपरवाइज्ड लर्निंग, आपने लेबल्ड डेटा प्रोवाइड किया। लेकिन अगर आपने लेबलिंग नहीं की, जस्ट फीचर्स दिए हैं, देन दिस केस इज कॉल्ड एज अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में हम प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, हम सिर्फ ग्रुपिंग कर सकते हैं, हम सिर्फ क्लस्टरिंग कर सकते हैं। अगर डेटा लेबल्ड है तब आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं, प्रिडिक्शन कर देंगे तो दो तरह की है, क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन, तो ये सुपरवाइज लर्निंग के अंडर है। अनसुपरवाइज लर्निंग में डेटा लेबल्ड ही नहीं है तो आप प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, आप सिर्फ ग्रुपिंग और सब ग्रुपिंग कर सकते हैं और ग्रुपिंग और सब ग्रुपिंग करने को क्या बोलते हैं, क्लस्टरिंग। सो क्लस्टरिंग इज एग्जाम्पल ऑफ अनसुपरवाइज्ड, क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन ऑफ सुपरवाइज्ड। और डिफरेंस क्या है, डेटा
लेबल्ड है अगर। अच्छा, कल हमने जो डेटा सेट लिया था जिसमें हमने आपके पास इनपुट एट्रीब्यूट थे तो साथ में आउटपुट एट्रीब्यूट था, लेबल किया हुआ था, और फीचर कौन से हैं यहाँ पे, सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ और पेटल विड्थ। साथ में इसमें बता रहे थे कि भाई ये स्टोसा है, वर्सिकुलर है और वर्जनिका है, तो हम उसका लेबल बता रहे थे, तो दैट्स व्हाई दिस इज सुपरवाइज्ड लर्निंग एंड वी आर एबल टू प्रेडिक्ट द क्लास। लेकिन अगर मैं आउटपुट एट्रीब्यूट यहां से हटा दूं तो फिर ये क्या हो जाएगी, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, और सिर्फ फिर आप इसकी क्या कर सकते हैं, ग्रुपिंग कर सकते हैं बेस्ड ऑन दोज फोर इनपुट एट्रीब्यूट, आप उनकी ग्रुपिंग या सब ग्रुपिंग कर पाएंगे, और ये केस फिर किसमें चला जाएगा, अनसुपरवाइज। सो इन अनसुपरवाइज्ड लर्निंग हमारे पास जो रिजल्ट्स हैं वो अवेलेबल नहीं होते, जो लेबल डेटा नहीं होता, तो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज अनसुपरवाइज्ड, बिकॉज देयर इज नो फीडबैक और नो टीचर टू करेक्ट यू, इट इज जस्ट वी हैव टू मेक ग्रुप ऑन दैट बेसिस। गूगल न्यूज ये बोलता है कि दिस इज ए एग्जाम्पल ऑफ अनसुपरवाइज लर्निंग, और गूगल न्यूज क्या करता है, जो भी रिलेटेड आइटम की न्यूज है उनको एक ग्रुप में डाल देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी जैसे इंडिया और अफ्रीका का टेस्ट मैच चल रहा है तो उसके रिलेटेड जितनी भी न्यूज होंगी उसको एक हेडिंग के अंदर डाल देंगे, और जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको अलग अलग वेबसाइट्स के ऊपर वो ले जाएगा। मतलब ये हुआ कि एक टॉपिक के रिलेटेड जितनी भी न्यूज थी उसको उसने एक क्लस्टर में डाल दिया, तो उसकी उसने ग्रुपिंग कर दी। फॉर एग्जाम्पल, इन दिस केस दीज आर सम मेन इंपॉर्टेंट न्यूज, एंड व्हेन यू क्लिक ऑन ए पर्टिकुलर न्यूज आइटम, व्हेन यू क्लिक ऑन ए पर्टिकुलर न्यूज आइटम, तो वो उसके अलग अलग सोर्सेस जितने भी हैं जहां से ये न्यूज एक्सट्रैक्ट की गई है उसके ऊपर ही आपको रूट कर लेगा। तो इसने इन तीनों न्यूज को एक ग्रुप में डाला है और उसको एक क्लस्टर में डाला है, ऊपर वाला अनदर ग्रुप है, ऊपर वाला अनदर ग्रुप है, तो इस तरह से इसने तीन अलग अलग ग्रुप में अपनी जो न्यूज आइटम है उसको डाला है। न्यूज राइटर ने नहीं लिखा कि ये पॉलिटिकल न्यूज है, उसने नहीं लिखा कि ये स्पोर्ट्स की न्यूज है, उसने सिर्फ न्यूज आइटम दी है, और न्यूज आइटम का हेडिंग पढ़ के या उसके कंटेंट को पढ़ के हम ऑटोमेटिकली समझ लेते हैं कि ये न्यूज पॉलिटिकल है या ये न्यूज स्पोर्ट्स की है या ये न्यूज एंटरटेनमेंट की है। तो गूगल क्या कर सकता है, मैं पूरी की पूरी न्यूज आइटम का टेक्स्ट अगर अपनी मशीन को दे दूं तो वो उस टेक्स्ट को पढ़ के, उस टेक्स्ट के एक एक वर्ड को समझते हुए क्या कर सकता है, उसको ऑटोमेटिकली ग्रुप कर सकता है। तो मुझे लेबल करने की जरूरत नहीं रही, मैं सिर्फ अपना न्यूज का टेक्स्ट दे दूंगा लेकिन उसके आगे उसको खुद नहीं बताऊंगा कि ये पॉलिटिकल है, खुद नहीं बताऊंगा कि ये स्पोर्ट्स की है, खुद नहीं बताऊंगा कि ये एंटरटेनमेंट की है, सिर्फ न्यूज का फुल टेक्स्ट प्रोवाइड कर दूंगा, और बेस्ड अपॉन द कॉमनली यूज्ड वर्ड इन द टेक्स्ट वो ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर लेगा कि ये इंडिया अफ्रीका के मैच की बात हो रही है, ये इसराइल के प्रेसिडेंट की इंडिया में जो विजिट हो रही है उसके रिलेटेड न्यूज है, ये स्टॉक एक्सचेंज की न्यूज है, ये एंटरटेनमेंट की न्यूज है, और ऑटोमेटिकली उसको ये क्या कर देगा, ग्रुप में डिवाइड कर देगा। सो जो न्यूज की क्लस्टरिंग कर रहा हूं ये सुपरवाइज्ड है या अनसुपरवाइज्ड है, क्यों अनसुपरवाइज्ड है, आपके पास जीमेल है उसमें आपके काफी सारे फ्रेंड्स के कॉन्टेक्ट स्टोर हैं, आपके पास मान लीजिए 200 कॉन्टेक्ट स्टोर हैं जीमेल की आईडी, क्या मैं उनमें से ये ग्रुप बना सकता हूं कि दीज आर द ईमेल आईडीज जो आपके फ्रेंड्स हैं और दीज आर द ईमेल आईडीज जो आपके फ्रेंड नहीं है, जस्ट वैसे ही आपने ऐड किए हुए हैं, आप उनसे फ्रीक्वेंटली कम्युनिकेट नहीं करते, क्या मैं ग्रुप बना सकता हूं, दोज पर्सन जिनके साथ आप फ्रीक्वेंट कम्युनिकेट करते हैं, दोज पर्सन जिनके साथ आप फ्रीक्वेंट कम्युनिकेट नहीं करते, हो सकता है नहीं हो सकता, मैं आपकी पिछली ईमेल चेक करूंगा, जिन जिन से आपने जितनी बार कम्युनिकेट किया उसका नंबर स्टोर कर लूंगा, एंड बेस्ड ऑन दैट आई विल मेक ए ग्रुप जिनके साथ आप बहुत कॉमनली बात करते हैं, जिनके साथ कभी कभी बात करते हैं और जिनसे कभी भी बात नहीं करते। तो आपने उनको लेबल नहीं किया कि ये मेरा क्लोज फ्रेंड है या मेरा सोसो फ्रेंड है या मेरा फ्रेंड नहीं है, जस्ट वैसे ही आपने लिखा, लेकिन मेरा मशीन उसको क्या कर सकती है, आपके फ्रेंड्स को ग्रुप में खुद ब खुद क्या कर सकती है, डिवाइड कर सकती है। सो दिस इज ए केस ऑफ अगेन क्लस्टरिंग, आपने नहीं बोला लेकिन बेस्ड ऑन योर हिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन आई कैन मेक ए ग्रुप। एक और एग्जांपल देखिए, आप बिग बाजार जाते हैं और वहां कुछ शॉपिंग करके आते हैं, और बिग बाजार ने सोचा कि अभी हम बुक्स के ऊपर एक सेल लगा रहे हैं तो उसके लिए उन्होंने इंफॉर्मेशन भेजनी है, तो एक है उनके पास मेथड कि उनके पास अभी तक जितने भी कस्टमर आए हैं सबको SMS कर दें कि बुक्स के ऊपर सेल लगी है,
या उससे बेटर भी कोई सोल्यूशन है? क्या सोल्यूशन है? किसको एसएमएस करना चाहिए? सिर्फ उन्हीं को एसएमएस करना चाहिए जो ऑलरेडी बुक्स में इंटरेस्टेड हैं या उनके पास इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट भी है। सो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट पे सेल है अगर, तो उसको हर कस्टमर को भेजने का फायदा नहीं है, उन्हीं को भेजें जो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट ऑलरेडी परचेज कर चुके हैं, विच शोज दैट दे आर इंटरेस्टेड इन दैट पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट। तो आपको अपनी कॉस्ट मिनिमम करनी है और आपको अपनी हिट रेशियो बढ़ानी है। तो क्या मैं अपने कस्टमर की, सुनना मेरी बात, क्या मैं अपने कस्टमर की ग्रुपिंग कर सकता हूं कि ये वाले कस्टमर ग्रोसरी में इंटरेस्टेड है, ये कस्टमर बुक्स वाले हैं, ये कस्टमर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं, ये कस्टमर क्लोथिंग में है? तो क्या मैं अपने स्टोर के कस्टमर की ग्रुपिंग कर सकता हूं? कैसे कर सकते हैं? बेस्ड ऑन देयर हिस्टोरिकल बिल रिकॉर्ड। तो पुराने बिल रिकॉर्ड डाल के मैं बता सकता हूं, लेकिन एक बात समझना, जो कस्टमर है क्या मैंने उसको लेबल किया है? कस्टमर को तो लेबल नहीं ना, कि आपको तो नहीं मैंने बोला कि आप सिर्फ बुक की ले सकते हो, दूसरी चीज नहीं ले सकते, आप सिर्फ ग्रोसरी ले सकते हो, आप सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट ले सकते हो। तो कस्टमर की कोई लेबलिंग नहीं है, बट फिर भी मैं कस्टमर की क्या कर सकता हूं? ग्रुपिंग कर सकता हूं, क्लस्टरिंग कर सकता हूं, एंड ऑन दैट बेसिस आई कैन मेक माय एडवर्टाइजमेंट बेटर, टारगेट ऑडियंस को कैच कर सकता हूं। तो दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड एज कस्टमर सेगमेंटेशन। मैं अपने कस्टमर की सेगमेंटेशन कर सकता हूं और कस्टमर की सेगमेंटेशन करके मैं अपनी जो सेल रिकॉर्ड है उसको इंप्रूव कर सकता हूं। सो दिस इज एन एग्जांपल जिसमें आप अपने मार्केट की सेगमेंटेशन कर सकते हैं और उसकी बेसिस के ऊपर आप चीजों को निकाल सकते हैं। एक और एग्जांपल देख लिया हमने सोशल नेटवर्क एनालिसिस, जैसे कि फेसबुक है, तो सेम फंडा मैं यूज करके फेसबुक में आपकी जितनी भी फ्रेंड लिस्ट है उसमें से बता सकता हूं कि कौन से फ्रेंड आपके क्लोज फ्रेंड है और कौन से फ्रेंड आपके क्लोज फ्रेंड नहीं है, सो फ्रेंड है, क्योंकि फ्रेंड लिस्ट में तो बहुत सारे होंगे जिनके साथ जो आपकी पोस्ट के ऊपर फ्रीक्वेंटली कम्युनिकेट करते हैं, टैग करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, वो आपके क्लोजली एसोसिएटेड है। तो आपने किसी को टैग नहीं किया कि ये मेरा क्लोजली एसोसिएटेड है, बट आई कैन मेक ए ग्रुप ऑफ दोज यूजर्स और योर फ्रेंड्स जो इस कैटेगरी में आएंगे। एस्ट्रोनॉमिकल डेटा एनालिसिस में भी ये बोलता है कि क्लस्टरिंग यूजफुल हो सकती है, बता सकते हैं कैसे? एस्ट्रोनॉमी क्या होती है? स्टडी ऑफ तारों के बारे में। तारे कभी देखे रहती तुसी? स्टार्स कभी देखे कि देखने छोड़ दिए अब? हाँ भाई। सो अगर आप तारों को देखते हैं, प्लैनेट्स को देखते हैं, तो क्या वहां पे भी हम क्लस्टरिंग यूज करके कुछ इंपॉर्टेंट काम कर सकते हैं? तो ये बोल रहा है कि एस्ट्रोनॉमिकल डेटा एनालिसिस में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। अभी पीछे एक न्यूज थी कि गूगल की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने एक नए प्लैनेट का पता चलाया है। सो नाउ एआई आल्सो कम इनटू द फील्ड ऑफ एस्ट्रोनॉमी, और गूगल उसमें भी चला गया और उसमें मशीन लर्निंग यूज करके उन्होंने कुछ नए स्टार्स का या कुछ नई गैलेक्सी का पता लगा लिया। तो क्या पता चल सकता है किसी नए स्टार का अगर हम उसको देखें? तो नए प्लैनेट और स्टार को भी देखने के लिए हम जो ग्रुपिंग है वो यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपने अपने टेलीस्कोप का डेटा लिया और उसमें लाइट के डिफरेंट पैटर्न आए, तो जो गैलेक्सी होती है उसमें क्या होता है कि देर आर सम बंच ऑफ स्टार्स, फिर डार्कनेस है, देन देर इज अनदर बंच ऑफ स्टार। तो बेसिकली क्या हो रही है वहां पे, लाइट की क्या हो रही है? ग्रुपिंग हो रही है। तो जहां लाइट बहुत सारी, सो व्हाट आर दीज प्रॉब्लम, चार केसेस है, आपको हर केस में बताना है कि ये सुपरवाइज है या अनसुपरवाइज है। गिवन ईमेल लेबल्ड एज स्पैम और नॉट, गिवन ए सेट ऑफ न्यूज और आइटम, ग्रुप देम इनटू सेट ऑफ आर्टिकल, क्लस्टरिंग या क्लासिफिकेशन है ये बी पार्ट, क्लस्टरिंग, ग्रुपिंग होगी ना, क्लस्टरिंग है। डेटाबेस ऑफ कस्टमर ऑटोमेटिकली डिस्कवर मार्केट सेगमेंट, ग्रुप कस्टमर इनटू डिफरेंट मार्केट सेगमेंट्स, सी पार्ट, अनसुपरवाइज। फोर्थ पॉइंट, डायबिटिक और नॉट डायबिटिक, क्लासिफिकेशन 0 और 1, क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन। व्हाई इट इज क्लासिफिकेशन? क्योंकि तीनों में से कोई एक बताएंगे, सनी है, क्लाउडी है या। Thanks for watching this video.